नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान बड़ी सौगात दी है। इस दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर चल रही अटकलों के बीच बड़ा बयान दिया। कहा, बिहार में जमीन सर्वे होकर रहेगा। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में टिकट से चुके दिग्गज नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। पूर्व मंत्री सत शर्मा को पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता को चुनाव प्रचार पैनल और प्रबंधन समितियों का प्रमुख बनाया गया है। तेजस्वी यादव की नवीनतम आभार यात्रा अन्य यात्राओं से बेहद अलग है, क्योंकि इस बार वे कोई सभा या मंच आयोजित नहीं करेंगे। लालू यादव के पुराने अंदाज में वे सीधे लोगों से चौक चौराहों और गांव के गलियों में मिलेंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि भारत जल्दी लिथियम आयन बैटरी का निर्यात करने लगेगा। ये कदम देश के इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। बिहार सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नई नीति को अंतिम रूप देने जा रही है। शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर अब नए माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक हस्ताक्षर करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। उन्होंने जनता को कांग्रेस से सावधान रहने की सलाह दी। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा राज्य में 9,500 से अधिक सिपाहियों के रहने के लिए बैरक का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें करीब 27,000 सिपाहियों के रहने के लिए 300 से अधिक भवन तैयार किए जा चुके हैं। महिला पुलिसकर्मियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भी ये बैरक का निर्माण हो रहा है। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जल्द ही एटीएम मशीन की तरह लड्डू प्रसादी की मशीन लगाई जाएगी। श्रद्धालुओं को अब रुपए डालने के बाद लड्डू प्राप्त होंगे, जिससे भीड़ और प्रसादी वितरण की समस्या कम हो जाएगी। बिहार में बुलेट ट्रेन सेवा जल्द ही शुरू होगी, जिससे बक्सर से हावड़ा की यात्रा महज 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में बक्सर, पटना और गया में स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में आरा और जहानाबाद में स्टेशन शामिल होंगे। रेलवे ने जमीन अधिग्रहण का काम जो है शुरू कर दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी की हालत गंभीर है और उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कृत्रिम श्वसन प्रणाली पर रखा गया है। पार्टी ने मंगलवार को यह बताया है कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मंगलवार को नसीहत दी। समस्तीपुर में कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी ने सरकार से सर्वेक्षण में आ रही समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने दूध और पर्यावरण पर उपकर लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में प्रस्तावित विधेयक में दूध उपकर को किसानों की मदद और पर्यावरण उपकर को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बताया है। बिहार के नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के चेरो थाना क्षेत्र में शराब की छापेमारी के दौरान ग्रामीणों और नशेड़ियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। भारतीय क्रिकेट दिग्गज राहुल द्रविड़ आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की कोच के रूप में वापसी करेंगे। द्रविड़ ने पहले भी राजस्थान के लिए खेला और मेंटोर रहे, जिससे उनका इस फ्रेंचाइजी से गहरा भावनात्मक रिश्ता है। उनकी वापसी से टीम को एक नई ऊर्जा और दिशा मिल सकती है। बिहार सरकार ने 14 पुलिस उपाधीक्षकों को सीनियर पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया है। गृह विभाग ने देर रात इस संबंध में अधिसूचना जारी की। प्रमोशन पाने वाले डीएसपी राजधानी पटना के अलावा विभिन्न जिलों में तैनात हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए 6 वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुसार इन अधिवक्ताओं की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। नियुक्ति किए गए अधिवक्ताओं में एस द्वारिकानाथ, अर्चना पाठक दवे, सत्यदर्शी संजय,
ब्रजेश चाहर, राघवेंद्र पी शंकर और राजकुमार भास्कर ठाकरे शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोमवार को बिहार में पुणे शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि राज्य में पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और जज भी शराब का सेवन कर रहे हैं। उनका कहना यह था कि स्थिति शराबबंदी के प्रभावी कार्यान्वयन पर संदेह उत्पन्न है। मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरंगे क्या इंसान के शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फोन के इस्तेमाल करने से ब्रेन कैंसर का कोई संबंध नहीं होता है। बिहार के नवादा जिले के रजौली प्रखंड की रजौली पूर्वी पंचायत के धुर्गा में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध में बिजली विभाग ने पिछले 4 दिनों से बिजली काट दी है। इस कटौती के कारण गांव में अंधेरा छा गया है और ग्रामीणों के जीवन यापन की स्थिति में संकट पड़ गई है। जसप्रीत बुमराह जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उप कप्तान थे, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में उप कप्तानी की भूमिका से बाहर होंगे। हालांकि बुमराह भारतीय टीम का हिस्सा होंगे और उनकी भूमिका खेल में महत्वपूर्ण होगी। इस टेस्ट मैच में केएल राहुल, ऋषभ पंत और विराट कोहली से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। तेज प्रताप यादव ने देश के प्रधानमंत्री के चयन पर खुलासा करते हुए कहा कि यदि उनके पास ये निर्णय लेने का अधिकार होता तो वे राहुल गांधी की जगह अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाते। तेज प्रताप ने अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमताओं को सराहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश तभी विकसित होगा जब सुरक्षित होगा। इसके लिए 4 अहम साइबर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। हमारी सरकार ने साइबर क्षेत्र को मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए कानून को मजबूत बनाया है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने कहा कि स्थानीय निकाय के सभी कोटि के सभी शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के बावजूद विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापना में विभाग द्वारा हो रही देरी के कारण उनमें पनप रहे असंतोष के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश ने दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों को देखते हुए देश से हिल्सा मछली के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब हिल्सा मछली की कीमत 2000 से 2400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। बांग्लादेश सरकार का ये कदम त्योहारों के दौरान मछली की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी मामले में राहत देते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर को भी नोटिस जारी कर थरूर की याचिका पर 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। सैमसंग की चेन्नई यूनिट में सैकड़ों श्रमिक हड़ताल पर चले गए हैं। आरोप है कि कंपनी उनकी यूनियन को मान्यता देने में बाधा डाल रही है। श्रमिकों का कहना है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और वे उचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के मलबे से मंगलवार को 4 और 100 बरामद किए गए, जिससे मृतकों की संख्या जो है 5 हो गई है। खराब मौसम और लगातार मलबा गिरने के कारण सोमवार रात रोका गया बचाव अभियान मंगलवार सुबह फिर से शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत में मुसलमानों को गुमराह ना करें, देश के लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है। मणिपुर में छात्रों द्वारा शांति बहाल की मांग के विरोध प्रदर्शन के बाद इम्फाल के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू के तहत लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ये एहतियातन कदम उठाया है। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है मुकुंद कुमार, ऋतिक कुमार, नुनू गोलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, सपना कुमारी, धनंजय कुमार, रंजीत कुमार झा, नौशाद रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, राज कमल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके परिवार में कोई खास रीति रिवाज या आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं आती? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।